मैं सोचा था कि वो एक बहुत ही गरीब कुटुंब से आते हैं और दलितों के बारे में उनके पास बड़ी भावना है सुधार के लिए, तो मैं समझा था इस डॉक्यूमेंट में कुछ नया लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मिलने वाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, अरे आपकी बारी आएंगे तो बोलो, बार बार मत मुझे छेड़ो, मैं भी उतना ही गंभीर लेता हूं। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC ST पर जो ज्यादाती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है ये भी, उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं किया गया। हमारा लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है, क्योंकि सच बोलने नहीं देते, सच करने नहीं देते। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, जो सत बताता है तो भी उसको देशद्रोही बोलते हैं। और अपने विचार को, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, अपने विचार को जब आप रखते हैं तो भी उसको नकार देते हैं। लेकिन बार बार हमको यही याद दिलाते हैं, 70 साल में आपने क्या किया, बार बार कितने बार बोलेंगे भाई। और हर आदमी यही बोलता है 70 साल। अगर मैं भी अनेक बार बोला, नहीं बोलना चाहिए, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप, क्योंकि आपने कहा वो फिर मैं नहीं जाता हूं। आज जो डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और आज संविधान है, ये रहने के वजह से आप सभी लोग जिंदा है, आपको बड़े बड़े पद मिले हैं। तो इसीलिए, अरे आप, अरे ठीक है, अरे आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है, कृपया बीच में आपस में बात न करें, अपना मौका आएगा अपनी बात कहें। प्लीज प्लीज प्लीज, ये मंत्री है, मंत्री प्लीज सर, प्लीज प्लीज, क्या बोले, अरे प्लीज, यही बोल, अरे अरे प्लीज, आप तो हजारों सालों से हमको कुचलते आए, प्लीज बैठो, आप बैठो, हजारों सालों से कुचलते आए फिर भी हम साइन कर रहे, बार बार कुछ तो बात करते हैं पॉलिटिकल, डोंट टॉक पॉलिटिकली, आई एम टॉकिंग माय प्लीज, आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स, आई एम गिविंग यू द नंबर, मेरा आग्रह है प्लीज आपस, अरे आपको बनाया है भाई, आपको डिफेंड करने के लिए बनाया है, आप बनाते रहो। और देखो, आपका काम कम है, प्रचार ज्यादा है, और इस प्रचार के लिए आपको भी एक बख्शीश मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा, इतने झूठ को सच बोलते हो और बार बार झूठ बोलते ही जाते हो। और ठीक भाई, सत्य से दूर, सत्य से दूर, झूठ, ये शब्द हम रिकॉर्ड से एग्जामिन कराएंगे, प्लीज किसी भी पक्ष के, किसी भी पक्ष, माननीय सदस्यगण, किसी भी पक्ष के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको हम रिकॉर्ड एग्जामिन कराएंगे और नियमता इसमें हम देखेंगे। नहीं नहीं प्लीज सर, मैं ये कहूंगा, सर ठीक है वो निकाल दीजिए, या सत्य बोल के बोलिए और सत्य से दूर है।